can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. चार कॉज और ये गाना खत्म। कि इस वीडियो का जो गाना है वो बहुत ही सिंपल है और कोई भी प्ले कर सकता है। इस गाने में मैं तीन पार्ट बताऊंगा, पहला तो कि इस गाने का स्केल क्या क्या है, दूसरा कि कॉर्ड्स क्या क्या यूज हो रहा है, और तीसरा कि सीक्वेंस क्या है। पहला तो हम लोग देखते हैं कि इस गाने का स्केल है जी मेजर स्केल, ठीक है, जो कि है, दिस इज जी मेजर स्केल, राइट। सेकेंड पार्ट है कि इसका कॉर्ड्स क्या क्या है, तो जी मेजर स्केल में बहुत ही सिंपल सा है कि जी सी डी एंड ए माइनर, दीज आर द फोर कॉर्ड्स, ठीक है, जो कि हम लोग यूज करेंगे इस गाने में, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा ओपन कॉर्ड्स है सारा, है ना। देखिए गाना बहुत लंबा लंबा होता है, तो ये मैंने शॉर्ट एक गाना चूज किया है जो कि बहुत कूल है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सीक्वेंस है, जैसे कि मैं बता रहा था कि थर्ड पार्ट इज अबाउट ऑल सीक्वेंस, राइट। तो सीक्वेंस क्या होता है, हर एक गाने में बहुत लंबे लंबे फ्रेजेस रहते हैं, पैराग्राफ्स रहते हैं, राइट। वहाँ पे क्या होता है कि कॉर्ड्स बहुत सारे डिफरेंट कॉर्ड्स वेरी करते हैं, सेकेंडरी डोमिनेंट कॉर्ड या फिर रिलेटिव माइनर, इसका उसका आ गया, है ना, 7-8 कॉर्ड रहता है, तो याद रखना मुश्किल होता है। बट इस गाने में बस 4 ही कॉर्ड्स है और फ्रीक्वेंटली रिपीट नहीं हो रहा है, बस एक सेट अभी रिपीट हुआ, सेकेंड सेट अभी रिपीट हुआ, वही होता है सीक्वेंस। तो इस गाने का सीक्वेंस है ए बी ए बी, मतलब ए सेट में क्या क्या है हम लोग को याद रखना है, या फिर बी सेट में, कोई भी एक सेट ले लीजिए। ए सेट में है जी डी एंड ए माइनर, एंड बी सेट में है जी डी एंड सी, ठीक है। ये हो गया गाने का सीक्वेंस। बस कुछ लिरिक्स भी अगर आप लोग भूल गए ना, ये सीक्वेंस के साथ साथ आप काउंट के साथ साथ बजाते जाइए, गाना अपने आप मिलता जाएगा। अभी बात आता है फोर्थ पार्ट, जो कि है रिदम का, जो कि बहुत वाइटल है, है ना। तो रिदम में क्या है, दो कॉर्ड्स जी और डी के साथ एक ही टाइप का रिदम अप्लाई होगा, और जो ए माइनर और सी है वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड रिदम है, मतलब कि थोड़ा सा अलग रिदम होगा उन दोनों से। तो जी और डी मेजर का सेम रिदम, एंड ए माइनर और सी का डिफरेंट रिदम, मतलब कि अलग अलग सेट है रिदम। तो पहले देख लेते हैं जी और डी के लिए क्या रिदम यूज हो रहा है। तो उसमें यूज हो रहा है, कैसे बजाएंगे स्पीड में, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, डाउन 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 अप, राइट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ए माइनर और सी के लिए, ये पार्ट सेम रहेगा, डाउन डाउन, फिर होगा दो बार, ठीक है, फिर सेम चीज रिपीट होगा ए माइनर के लिए, अप डाउन अप, मतलब कि, ठीक है, एंड देन ए माइनर डाउन डाउन अप डाउन अप, ठीक है। तो ये ऐसे आ रहा है, क्या हुआ देखिए सीक्वेंस में, ए सेट मैंने बजाया पहले जी सी जी डी सी का, माय बैड, एंड देन मैंने बजाया जी डी ए माइनर। सो ऐसे ही ये था इसका रिदम और ये सीक्वेंस। सीक्वेंस को याद रखिए, कॉर्ड्स तो आप लोगों को पता ही है, आशा करता हूँ ये बेसिक से कॉर्ड्स है, राइट। आप लोग याद रखिए, थोड़ा सा बहुत ही सिंपल है, आप लोग इस सॉन्ग को बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा और शॉर्ट एंड स्वीट था,
प्लीज़ डू रेकमेंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड प्लीज़ शेयर कीजिए दोस्तों में, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले आगे लेसन शेयर करने में. बहुत ही कूल लेसन्स हैं जो कि मैं लाना चाहता हूँ, और टेक्निक्स हैं जो कि मैं फर्दर वीडियोज़ में लाऊँगा, शोकेस करूँगा. तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे.